वाड़ी शहर को पीने के पानी का जिम्मा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का है, लेकिन 6 माह से शहर को दूषित जलापूर्ति होने से बुधवार को शाम 5 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता संतोष नरवाड़े के नेतृत्व में पूर्व मंत्री रमेश बंग के खास उपस्थिति में मोर्चा निकाला गया। अंबेडकर स्मारक से मोर्चा को आरंभ किया गया। वेना जल शुद्धिकरण केंद्र वाड़ी पर महिलाओं के साथ राकंपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा। मोर्चा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रमेश बंग ने कहा कि पिछले कई दिनों से मजीपुरा द्वारा वेना, अंबेडकर नगर और सभी वाड़ी शहरों में गंदा और बदबूदार और पीले रंग की महक वाला पेयजल आपूर्ति हो रही है। कई साल पुराना पानी की पाइपलाइन को निकालकर नई पाइपलाइन को बिछाने की मांग बंग ने की। राकंपा के सामाजिक न्याय विभाग के जिला अध्यक्ष संतोष नरवाड़े ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बात हानिकारक है। 2 साल पहले इतने गंदे पानी से अंबेडकर नगर के 3 लोगों की पीलिया से मौत हो गई थी। आने वाले बरसात को ध्यान में रखते हुए शुद्ध जलापूर्ति करने की मांग नरवाड़े ने की। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष श्याम मंडपे, प्रेमनाथ झाड़े, राजेश जायसवाल, सुरेंद्र मोरे ने भी अभियंता को दूषित जलापूर्ति को लेकर सवाल किए। मोर्चा के दौरान वाड़ी शहर में भारी में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाना चाहिए, पाइपलाइन लीकेज को तुरंत ठीक कराया जाए, वाड़ी शहर में पेयजल टंकियों की नियमित साफ सफाई की जाए। मूल रूप से यदि वेना जल शोधन संयंत्र की समय सीमा समाप्त हो गई है तो उसका तुरंत नवीनीकरण किया जाने की मांग की गई। मोर्चा करीब 1 घंटे तक बीच सड़क में चला। एमजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमजेपी के प्रशांत बुर्डे अधीक्षक अभियंता ने मोर्चा में सामने आकर सभी नेताओं के सवाल के जवाब दिए। जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। मोर्चा में राकंपा के युवा जिला अध्यक्ष श्याम मंडपे, पूर्व नगर अध्यक्ष प्रेमनाथ झाड़े, ओबीसी विभाग प्रदेश महासचिव सुरेंद्र मोरे, पूर्व नगर सेवक राजेश जायसवाल, वाड़ी शहर अध्यक्ष वसंतराव इखनकर, दिनेश उइके, सुनंदा ठाकरे, ताराताई घरडे के साथ सैकड़ों लोग मोर्चा में शामिल हुए। शहरामध्ये केली आहे। जल शुद्धीकरण मध्ये जे 3 फिल्टर बेड दुरुस्ती करायचे त्याची माझी अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली आहे। उर्वरित जी दुरुस्ती मी गेल्या 3 महिन्यामध्ये करून देतोय आणि साफसफाईसाठी जेवढी मोहीम करायची आहे माझ्या सगळ्या दुरुस्त्या करून झालेल्या आहे। फक्त फील्ड लेवलवरती लिकेजेस जर झाले तर काही बांधगाडी उपस्थित झाल्या त्यामुळे 2 ते 4 दिवस लिकेजेसमुळे होऊ शकते, पण माझे इथे म्हणजे डेप्टी इंजिनियर जेईना यांत्रिकी विभागांना इथे लक्ष देऊन सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून टाकले। जे तक्रारी होत्यात की लोक काम करत नाही, ब्लिचिंग टाकत नाही, सीसीटीव्ही कॅमेरे इम्प्लिमेंट केलेले आहे। इथे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले की लोक काय करतात काय नाही त्याची दक्षता घ्यायसाठी पूर्णपणे नियोजन केलं की तुम्हाला शुद्ध पाणी द्यायचं। फक्त जर पाईपलाईन तुटफूट विकास कामामध्ये नगर परिषद हद्देमध्ये जर तुटली तर त्या इलाजाने जर कोणाला गढूळ पाणी गेलं तर तो माझा नाईलाज असते, तरी मी त्याची तातडीने दखल घेईल। माझी पाईपलाईन असेल तर मी इमिजिएट 2 दिवसामध्ये त्याला दुरुस्त करेन, इमिजिएट तुम्हाला शुद्ध पाण्याची गवाही देतो। आणि परत नगर परिषद आपण ह्या योजनेमधून योजना 1968 झाली म्हणून मागे पण सांगितलं होतं, योजनेचं आयुष्यमान झालेलं आहे। फिल्टर बेड मी दुरुस्त करून 2 वर्ष 3 वर्ष चालू शकेल, पण तुमची नगर परिषद झालेली आहे हे वारंवार मी तुम्हाला मागे पण सांगितलं, मागे पण मोर्चाने मागच्या सीओंना पण सांगितलं, मला येऊन 1 वर्ष व्हायचं आहे इथे, पण जे मला निर्देशनास आलेलं आहे प्लांट 3 वर्ष चालू शकेल पण प्लांट सडनली केव्हा पण कोलॅप्स होऊ शकतोय ही याची वास्तुस्थिती मलाही नाकारता येत नाही। मी याचं VNIT कडे स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी रिपोर्ट करायला पाठवलेला आहे, त्यांनी त्यांची रक्कम मला कळवलेली आहे, मी त्यांचं ऑडिट करून घेईन, त्यांच्या ऑडिटच्या रिपोर्टमध्ये येईल, मी दुरुस्त करून शुद्ध पाणी द्यायचं 100% तुम्हाला प्रयत्न करतोय, ते प्रयत्न माझे शेवटपर्यंत राहील। पण तुमच्या वाडी नगरवासियांना नगर परिषदसाठी नवीन स्वतंत्र योजना करणे खूप अनिवार्य। वाडीचे NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटील की रिपोर्ट।